डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर चल रही है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट है। जगह जगह फॉगिंग और छिड़काव कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में डेंगू के 12 नए केस सामने आने के बाद ये पूरा आंकड़ा 219 हो चुका है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के सभी प्रखंडों में डेंगू का मामला आए दिन सामने आ रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला के 4 प्रखंड मुसहरी, कांटी, मीनापुर और शहरी क्षेत्र में 150 से अधिक केस अब तक सामने आ चुके हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सभी स्थानों पर फॉगिंग छिड़काव करवाया जा रहा है और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं इसी के साथ अगर बात राजधानी पटना की करें तो राजधानी पटना में जो है डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों जहां 13 वर्षीय बच्ची की मौत डेंगू की वजह से हो गई, तो वहीं डेंगू को लेकर के लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हर जिले में फॉगिंग करवाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही छिड़काव भी कराया जा रहा है। डेंगू का मामला आए दिन बढ़ता जा रहा है। डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बात अगर भागलपुर की करें तो भागलपुर में भी डेंगू की वजह से कई बच्चियों की जान गई, जो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। बता दें कि डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के एक और जहां स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, वहीं दूसरी ओर अगर अभी के वक्त को देखा जाए तो डेंगू के मामले पहले के वक्त से थोड़ा कम हुए हैं, लेकिन फिर भी डेंगू का प्रकोप जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।